पतित जन पावनी सूर सरिता समी अधम उद्धारिणी आत्मसिद्धि जन्म जन्मांतरो जानता जोगिये आत्म अनुभव बड़े आज दीधी भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महाभव्य सौभाग्यनी वीण दीधी चारु तर भूमिना नगर नड़ी याद मा पूर्ण कृपा प्रभु ये करीति याद नदी नीधरे नाम नडी याद पन चरण चूमी महापुरुषोना परम कृपालुनी चरण रज संतनी भक्ति भूमि हरे चित्त सौना समीप रही एक अम्बाला ले तही भक्ति करी दीप हाथे धरी ने एक कल में करी पूरी कृपाळुए आसोवद एक में सिद्धि जीने आसोवद एक में सिद्धि जीने जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत वर्तमान आकाल मा मोक्ष मार्ग बहुलोप विचार वा आत्मार्थिने वाख्यो पत्र अगोप्य कोई क्रिया जड़ थई रह्या शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई बाह्य क्रिया माराचता अंतर भेद न काई ज्ञान मार्ग निषेधता देह क्रिया जड़ आई बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणी माही वरते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आही वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान ते मज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तणानी दान त्याग विराग न चेतमा थायन तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान जा जा जे जे योग्य छे तहां समझवू ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन एह सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दै निज पक्ष पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग्य प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष थया विना उगे न आत्म विचार सद्गुरु ना उपदेश वण समझायन जिन रूप समझावण उपकार शो समझे जिन स्वरूप आत्मा दी अस्तित्वना जे हनि रूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र
अथवा सद्गुरु ये कह्या जे अवगाहन काज ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज रोके जीव स्वच्छंद तो आमे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे भाक्यों जिन निर्दोष प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय अन्य उपाय कर्याथ की प्राय बमणो थाय स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष समकित तेने भाखियों कारण गणी प्रत्यक्ष मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाय जे सद्गुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान गुरु रह्या छद्मस्त पण विनय करे भगवान एवो मार्ग विनय तणो वाख्यो श्री वितराग मूल हेतु ए मार्गनो समझे कोई सुभाग्य असद्गुरु ए विनयनो लाभ लहे जो काय महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भव जल माही होय मुमुक्षु जीव ते समझे एह विचार होय मतार्थी जीव ते अवड़ो ले निर्धार होय मतार्थी ते हने थायन आत्म लक्ष देह मतार्थी लक्षणो अही कह्या निरपक्ष बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य अथवा निज कुल धर्म ना ते गुरु माज ममत जी जिन देह प्रमाण ने समवसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जीननु रोकी रहे निज बुद्धि प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मा वर्ते दृष्टि विमुख असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य देवादि गति भंग मा जे समझे श्रुत ज्ञान माने निज मत वेशनु आग्रह मुक्ति निदान लह्यु स्वरूप नवृत्तिनु ग्रह्यु व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहित थाय ज्ञान दशा पामे नहीं साधन दशा न काई पामे तेनो संग जे ते बूढ़े भव माही ए पण जीव मतार्थ मा निज मानादि काज पामे नहीं परमार्थ ने अनधिकारी माज नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग्य सरलपणु न मध्यस्थता ए मतार्थी दुर्भाग्य लक्षण कह्या मतार्थिना मतार्थ जावा काज हवे कहूं आत्मार्थिना आत्म अर्थ सुख साज आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होय बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोय प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्तिनो गणे परम उपकार
प्रणे योग एकत्वथी वर्ते आज्ञाधार एक होय तण काळ मा परमार्थ नो पंत प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु यो काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रोग कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास दशानै विजासुधी जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मते न अंतर रोग आवे जाए भी दशा सद्गुरु बोध सुहाय ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए गुरु शिष्य संवाद थी वाखो षट पद आही आत्मा छे ते नित्य छे छे करता निज कर्म छे भोक्ता वरी मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर्म षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पण ते है समझावा परमार्थ ने कह्या ज्ञानीय ए है नथी दृष्टि माव तो नथी जना तू रूप बीजो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप अथवा देह ज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदू ए धान वळी जो आत्मा हो ये तो जनाय ते नहीं के जनाय जो ते हो ये तो घटपट आदि जेम माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय ए अंतर शंका तणो समझावो सदुपाय भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान पंते बन्ने भिन्न छे प्रगट लक्षणे भान भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असीने म्यान जे दृष्टा छे दृष्टिनो जे जाने छे रूप अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान पांच इंद्री ना विषय नु पण आत्मा ने भान देह न जाने देह ने जाने न इंद्री प्राण आत्मानी सतावडे देह प्रवर्ते जान सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जनाय प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधान सदाय घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान जान नार ते मान नहीं कहिए के वो ज्ञान परम बुद्धि कृश देह मा स्थूल देह मति अल्प देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प
જડ ચેતન નો ભિન્ન છે કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ, એક પણ પામે નહીં ત્રણે કાળ દ્વય ભાવ. આત્માની શંકા કરે આત્મા પોતે આપ, શંકા નો કરનાર તે અચરજ એહ અમાપ. આત્માના અસ્તિત્વના આપે કહ્યા પ્રકાર, સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરે વિચાર. બીજી શંકા થાય ત્યાં આત્મા નહીં અવિનાશ, દેહ યોગથી ઉપજે દેહ વિયોગે નાશ. અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે ક્ષણે ક્ષણે પલટાય, એ અનુભવથી પણ નહીં આત્મા નિત્ય જણાય. દેહ માત્ર સંયોગ છે વળી જડ રૂપી દ્રશ્ય, ચેતન ના ઉત્પત્તિ લય કોના અનુભવ વશ. જીના અનુભવ વશ્ય ઉત્પન્ન લય નો જ્ઞાન, તેથી જુદા વિના થાય ન કેમે ભાન. જે સંયોગો દેખીએ તે અનુભવ દ્રશ્ય, ઉપજે નહીં સંયોગથી આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ. જડથી ચેતન ઉપજે ચેતનથી જડ થાય, એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય. કોઈ સંયોગોથી નહીં જેની ઉત્પત્તિ થાય, નાશન તેનો કોઈ માં તેથી નિત્ય સદાય. ક્રોધાદી તર્તમ્યતા સર્પાદિક નિમાય, પૂર્વ જન્મ સંસ્કાર તે જીવ નિત્યતા ત્યાય. આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે પર્યાય પલટાય, બાળાદી વૈત્રણ્યનું જ્ઞાન એક ને થાય. અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું જે જાણી વદનાર, વદનારો તે ક્ષણિક નહીં પર અનુભવ નિર્ધાર. ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ, ચેતન પામે નાશ તો કે માં ભળે તપાસ. કરતા જીવ ન કર્મનો કર્મ જ કરતા કર્મ, અથવા સહજ સ્વભાવ કા કર્મ જીવનો ધર્મ. આત્મા સદા અસંગને કરે પ્રકૃતિ બંધ, અથવા ઈશ્વર પ્રેરણા તેથી જીવ અબંધ. માટે મોક્ષ ઉપાયનો કોઈ ન હેતુ જણાય, કર્મ તણું કરતા પણું કા નહીં જાય. હોય ન ચેતન પ્રેરણા કોણ ગ્રહે તો કર્મ, જડ સ્વભાવ નહીં પ્રેરણા જુઓ વિચારી ધર્મ. જો ચેતન કરતું નથી નથી થતા તો કર્મ, તેથી સહજ સ્વભાવ નહીં તેમજ નહીં જીવ ધર્મ. કેવળ હોત અસંગ જો વાસત તને ન કેમ, અસંગ છે પરમાર્થથી પણ નિજ ભાને તેમ. કરતા ઈશ્વર કોઈ નહીં ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ, અથવા પ્રેરક તે ગણે ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ. ચેતન જો નિજ ભાનમાં કરતા આપ સ્વભાવ,
वरते नहीं निज भान मा करता कर्म प्रभाव। जीव कर्म करता कहो पण भोक्ता नहीं सोय, शो समझे जड़ कर्म के फल परिणामी होय। फलदाता ईश्वर गणे भोक्ता पणु सदाय, एम कहे ईश्वर तणु ईश्वर पणु ज जाय। ईश्वर सिद्ध थया विना जगत नियम नहीं हो, पछी शुभाशुभ कर्म ना भोग्य स्थान नहीं कोय। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्य निस्पूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। जीर सुधा समझे नहीं जीव खाय फल थाय, एम शुभाशुभ कर्मनु भोक्ता पणु जनाय। एक राक ने एक अनुरूप ए आदि जे वेद, कारण विना न कार्यते तेज शुभाशुभ वेद। फलदाता ईश्वर तणी ए मान थी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर। ते भोग्य विशेषना स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन वात छे शीश आ कई संक्षेपे सा। कर्ता भोक्ता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष, वीत्यो काल अनंत पण वर्तमान छे दोष। शुभ करे फल भोगवे देवादि गतिमाय, अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न क्याय। जीम शुभाशुभ कर्म पद जान्या सफल प्रमाण, तेम निवृत्ति सफलता माटे मोक्ष सुजान। वीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, देह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। देहादिक संयोग नो आत्यंतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख भोग। होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्मो काल अनंत ना साथी छेद्या जाय। अथवा मत दर्शन घना कहे उपाय अनेक, तीमा मत साचो कयो बने नए विवेक। कई जाति मा मोक्ष छे कया वेश मा मोक्ष, एनो निश्चय ना बने गणा भेदे दोष। तेथी एम जनाय छे मले न मोक्ष उपाय, जीवादि जान्या तनु शोपकार ज थाय। पाचे उत्तर थी थयो समाधान सर्वांग, समझू मोक्ष उपाय तो उदय उदय सद्भाग्य। पाचे उत्तर नी थई आत्मा विषय प्रतीत, थाशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत रीत। कर्म भाव अज्ञान छे मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नाशे ज्ञान प्रकाश। जे जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ, ते कारण छेदक दशा मोक्ष पंथ भव अंत।
राग द्वेष अज्ञाने मुख्य कर्मनी ग्रंथ हाय निवृत्ति जे हती तेज मोक्ष नो पंथ आत्मा सच्चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरीत कर्म अनंत प्रकार ना ते मा मुखे आठ ते मा मुखे मोहनीय हणाय ते कहु पाठ कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितरागता अचूक उपायाम कर्म बंद क्रोधादि थी हणे क्षमादिकते है प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने हे माशो संदे छोड़ी मत दर्शन तनो आग्रह तेम विकल्प कहो मार्ग आसाधिशे जन्म ते हना अल्प षट पद ना षट प्रश्न ते पूछा करी विचार ते पदनी सर्वांगता मोक्ष मार्ग निर्धार जाति वेश नो भेद नहीं कहो मार्ग जो होय साधे ते मुक्ति लहे हे मा भेद न कोय कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद अंतर दया ते कहिए जिज्ञास ते जिज्ञासु जीवने थाए सद्गुरु बोध तो पामी संकीर्तने वरते अंतर शोध मत दर्शन आग्रह तजी वरते सद्गुरु लक्ष लहे शुद्ध समकीत ते जे मा भेद न पक्ष वर्ते नीज स्वभावनो अनुभव लक्ष प्रतीत वृत्ति वहे निज भाव मा परमार्थे संकीत वर्धमान समकीत थई ताले मिथ्या बास उदय थाय चारित्रनो वीतराग पदवास केवल नीज स्वभावनु अखंड वरते ज्ञान कहिए केवल ज्ञान ते देह छता निर्वाण कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जाग्रत थता शमाय तेम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर थाय छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म नहीं भोगता तू देहनो एज धर्म नो मर्म एज धर्म थी मोक्ष छे तू छो मोक्ष स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान तू अव्याबाद स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवी अत्र समाय धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय सद्गुरु ना उपदेश थी आव्यो अपूर्व भाव निज पद निज माही लह्यो दूर थयो अज्ञान वास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशिने देहातीत स्वरूप करता भोक्ता कर्मनो विभाव वरते जाय
वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय अथवा निज परिणाम जे शुद्ध चेतना रूप कर्ता भोक्ता ते हनु निर्विकल्प स्वरूप मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यो संक्षेप मा सकल मार्ग निर्ग्रंथ अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार शू प्रभु चरण कने धरू आत्मा थी सोही ते तो प्रभु ए आपियो वर तू चरणाधीन आदे हादि आज थी वर तो प्रभु आधीन दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो दीन षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप ज्ञान थकी तरवार वर हे उपकार माप दर्शन षटे समाय छे आ षट स्थानक माही विचारता विस्तार थी संशय रहे न काय आत्म भ्रांति सम रोग नहीं सद्गुरु वैद्य सुजान गुरु आज्ञा संपथ्य नहीं औषध विचार ध्यान जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ भवस्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं आत्मार्थ निश्चय वाणी सांभली साधन तजवानोय निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवा सोय नय निश्चय एकांत थी आमा न थी कहे एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहे गच्छमत नीचे कल्पना ते नहीं सद व्यवहार भान नहीं निज रूप नु ते निश्चय नहीं सार आगळ ज्ञानी थई गया वर्तमान मा होय आशे काल भविष्यमा मार्ग भेद नहीं कोई सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय सद्गुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय उपादान नु नाम ले एज तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्वने रहे भ्रांति मा स्थित मुख थी ज्ञान कथे अने अंतर छुट्यो न मोह ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य ओयम मुक्षु गट विषे एह सदाय सुजाग्य मोह भाव क्षय होय जा अथवा होय प्रशांत ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी कहिए भ्रांत सकल जगत ते एठवत अथवा स्वप्न समान ते कहिए ज्ञानी दशा पाती वाचा ज्ञान स्थानक पांच विचारिने छठे वरते जेह पामे स्थानक पांच मु ते मा नहीं संदेह देह छता जेनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा
हो वंदन अगणित। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जीने आप्यूं